हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। मैंने अपने चैनल पे फ्रूट थिनिंग और फ्रूट थिनिंग के बाद स्प्रे मैंने कौन सी अपने ऑर्चर्ड में की है वो सारी वीडियो मैंने आप सभी के साथ शेयर की थी। तो जितना भी सेब मेरे ऑर्चर्ड में अब बचा है फ्रूट थिनिंग के बाद, वो मैं आपको दिखाऊँगा इस वीडियो में कि किस तरह का कलर उसमें आया है और साइज़ कितना बना है। आप ये देख सकते हो कि साइज़ में कहीं ना कहीं जो इम्प्रूवमेंट है वो थिनिंग के बाद काफ़ी हुआ है। और जो हम अंदर तक अगर नीचे तक दाने देखें, आप ये देखिए जहाँ पे सनलाइट भी नहीं पहुँच पा रही ढंग से, वहाँ पे भी जो कलर है वो भी काफ़ी अच्छा आ चुका है। तो अगर मैं आपको एक फ्रूट यहाँ पे दिखाऊँ जो नीचे को लगे हैं जितने भी फ्रूट्स, आप ये देखिए, और ये आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा इसमें कलर आ चुका है और जो साइज़ है वो भी काफ़ी इसमें अच्छा बन चुका है। तो जो फ्रूट थिनिंग है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है साइज़ वगैरह में। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊंगा, आप ये देखिए यहाँ पे काफ़ी बढ़िया रिज़ल्ट रहते हैं इसके फ्रूट थिनिंग के। अगर आप करें तो कहीं ना कहीं आपको भी इसका फ़ायदा मिलेगा ही। आप ये देखिए मीडियम टू लार्ज भी कहीं बीच में साइज़ इसका बन चुका है। तो आज हम इसकी प्लकिंग कर रहे हैं, तो आपको दिखाएंगे कि किस तरह का फ्रूट बना है थिनिंग के बाद। आप ये देखिए यहाँ पे जो अंदर तक है साइज़ ऑफ फ्रूट, और जो इसमें देखिए आप एक्स्ट्रा लार्ज, तो कहीं ना कहीं तो इम्प्रूवमेंट है साइज़ में, वो होता ही है थिनिंग के बाद। ओह, ये थोड़ा नीचे यहाँ पे फ्रूट गिर चुका है, कलर आप देख सकते हो थोड़ी सी रस्टिंग है इसमें, पर शेप और कलर इसमें काफ़ी अच्छा है। आप ये देखिए जो गिर चुका है उसको मैं क्रेट में डालूंगा। आप ये देख सकते हो जो कलर और साइज़ में इम्प्रूवमेंट है वो काफ़ी उम्दा है, लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ पहुंच चुका है। अगर मैं इसके साफ करूं तो एकदम अच्छा रंग आएगा। तो आगे जो हम अब प्लकिंग कर रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह की जो प्लकिंग है वो हम करते हैं, मल्टीपल प्लकिंग्स, और जो फ्रूट है वो किस तरह का निकलता है। तो दोस्तों आपको ये देखिए, ये दिखाता हूँ मैं, देखिए जो पैकेट अभी तोड़ा है, प्लकिंग जिसकी की है, अभी जो हमारे लेबर है वो दिखाएंगे, गिराव ज़रा इसमें क्रेट में गिराव ज़रा किस तरह का। आप ये देखिए, तो आप बागवान भाइयों ये देख सकते हो जो कलर में इम्प्रूवमेंट हुई है काफ़ी लाजवाब है। ये देखिए, दिखाओ ज़रा एक आधा ये वाला दाना साफ करो तो ज़रा, थोड़ा सा कपड़े से कर दे लोअर में करा, शाइन वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, दिखाओ ज़रा। आप ये देखिए बागवान भाइयों, रॉयल डिलीशियस सारे दाने इसमें से है ना, कलर वाले जितने भी है। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा से लगी, इसमें उतना साइज़ नहीं बना, ये वाला दिखा, शाइनिंग तो काफ़ी अच्छी। थिनिंग का रिजल्ट आप देखिए कि आपके सामने है। थिनिंग के बाद जो फ्रूट हमारे ऑर्चर्ड में बचा है प्लक करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ये वाला पेड़ ऑलमोस्ट सारा ही बचा है, इसमें से कुछ एक निकाले थे हमने। और अगर इस पेड़ की यहाँ पे बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट काफ़ी ही रहा है, यहाँ पे प्लेन रॉयल है ये। अब ये देखिए कलर वगैरह इसमें अंदर तक भी अगर जाए तो कहीं ना कहीं जो कलर इम्प्रूवमेंट है वो है। तो वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।